तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शाकिर भाई और उनकी वाइफ आरामबाग अपरूपा पोतेदार होंगी, एमपी आरामबाग अपरूपा पोतेदार होंगी। अगर मेरे शोहर को या मेरे परिवार को कुछ भी होता है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के रिसड़ा में एक परिवार अपनी जान बचाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर पुलिस प्रशासन तक से गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं है। रिसड़ा के रहने वाले मास्टर नसीम अख्तर और उनकी पत्नी अंसरी खातून ने वहां स्कूल खोलने के लिए एक छोटी सी इमारत खरीदी थी, जिसका नाम उन्होंने अनीस एकेडमी रखा था। दोनों पति पत्नी का इल्जाम है कि स्थानीय काउंसिलर शाकिर अली ने पहले तो कटमनी के तौर पर उनसे 1.5 लाख रुपए लिए और उसके बाद और 10 लाख रुपए मांगने लगे। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो शाकिर अली ने अपने लोगों को भेजकर उन्हें घर से निकाल दिया और वहां ताला लगा दिया। वो लोग 10:45 पर हमारे घर में आते हैं। हमारे घर में आने के बाद अपरूपा पोतेदार आती है, आरामबाग की एमपी, उनके साथ उनके शौहर शाकिर अली, वार्ड नंबर 4 के काउंसिलर है, वो आते हैं। आने के बाद से वो एलिगेशन ये लगाए हैं कि मैंने उनको गाली दिया, मेरे हस्बैंड उनको गाली दिए, बोले हैं मर्डर करवा देंगे, ये एलिगेशन लगाए। सर हम तो 9:42 में एडमिट हो चुके थे, मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे हॉस्पिटल में, तो फिर 10:45 मैं घर पर किस तरह थी। तो इससे तो यहाँ साबित हो जा रहा सर, ये एलिगेशन सरासर बेबुनियाद गलत है। और यहाँ तक शाकिर भाई ये धमकी दे रखे हैं कि मेरे हस्बैंड को मर्डर करवा देंगे, मेरे पूरी फैमिली को उजाड़ देंगे, बर्बाद करके रख देंगे। तो सर मैं ये चाहती हूँ, दीदी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये जो मेरे साथ जो हो रहा है उसका इंसाफ करें, जस्टिस दें। और दीदी से हाथ जोड़कर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे घर का ताला खुलवा दें। मैं खानाबदोश की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, 2 बच्चे को लेकर इधर उधर 3 महीने से रह रही हूँ यहाँ। मेरे सारा घर का कपड़ा, हर चीज़ घर के अंदर बंद है। और रिक्वेस्ट कर रहे हैं दीदी से कि ये जो मामला है उनको खुद देखें और जस्टिस करें हमारे साथ। शाकिर अली ताला मार दिए सर मेरे घर में, ताला लगा दिए, हम लोग को टान टान के वो जो निकाले मार धार करने के बाद बोले कि ये घर मीना बेगम का है, तुम लोगों का नहीं है, और अपना ताला मार के वो बूढ़ी को दे दिए। बहुत ही अपने वाइफ का, अपने वाइफ के पावर का गलत यूज कर रहे, मिस यूज कर रहे सर। वर्क का नाम आरामबाग की एमपी है अपरूपा पोतेदार। अच्छा, जिस घर से आपको निकाला गया उस घर में आप लोग कितने साल रहे हैं? साल नहीं रहे सर, शिफ्ट ही हुए थे सर, वो लिए हैं, न्यूले घर था, शिफ्ट हुए थे सर। तो वो नया घर खरीदे थे उसमें आप लोग? हाँ, शिफ्ट हुए थे सर। और पूरे बिल्डिंग पे शाकिर अली का कब्जा है, वो दिखावे के लिए आरफा खातून को सामने रखे हैं और जितना सारा काम कर रहे हैं वो शाकिर अली कर रहे हैं। बोल रहे बिल्डिंग खुले आम ओपन, हम लोग से बोले थे बिल्डिंग हम को आप लोग दे दीजिए, हम वहाँ कब्रिस्तान बनाएंगे। तो सर आप ही बताइए, कोई भी कोई सामान खरीदता है तो खुद के लिए खरीदता है ना, हम लोग तो स्कूल के लिए खरीदे हैं सर। मामला अदालत में चल रहा है, पुलिस अदालत का बहाना बनाकर मामले से पल्लू झाड़ रही है, लेकिन पुलिस ये नहीं बता रही है कि आखिर किस बुनियाद पर शाकिर अली ने नसीम अख्तर की इमारत पर ताला लगा रखा है। नसीम अख्तर को और उनकी पत्नी को धमकियां भी दी जा रही हैं, इस पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि शाकिर अली आरामबाग से टीएमसी एमपी अपूर्वा पोद्दार के पति हैं। बड़ा पुलिस पास हम लोग गए थे कि मेरा घर जो ताला मारा हुआ है, तो पुलिस क्या बोला है? पुलिस वो आप जानते हैं ताकत आईसी के पास गए हैं, वो बोले हैं कि ये सिविल मामला है। तो सर सिविल मामला किस तरह हो सकता है? शाकिर अली ठीक है, सिविल केस जो चल रहा है ऑलरेडी चल रहा है कोर्ट में, लेकिन ताला तो शाकिर भाई मेरे घर में मारे हैं। अच्छा, कहना चाह रहे हैं प्रशासन भी आपकी आवाज नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं सर। और है अपरूपा पोद्दार, उसी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वो बोल रहे हैं हम किसी से नहीं डरते हैं, जो करना है जो कर तुम लोग कर लो। अब आके ऐसा कुछ हुआ है, 3 महीने से हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो रहा है। आप एक महिला है, महिला होने के नाते आपने महिला आयोग में या फिर कहीं और संपर्क किया है इसको लेकर? आपके ऊपर जो भी महिला में नहीं किया, चीफ मिनिस्टर को दिए हैं, कल्याण बनर्जी को दिए हैं, पुलिस कमिश्नर को दिए हैं, अभिषेक बनर्जी को दिए हैं, प्रशांत किशोर को दिए हैं। ये तमाम चिट्ठी जो है 7 जनवरी 2022 को फिर हमने दोबारा दी है। इसके